नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर फरकाबाद से। जनपद में 17 फरवरी और 18 फरवरी को होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। 35 परीक्षा केंद्रों पर करीब 70,000 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। एक पाली में करीब 17,640 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेंगे। जहां परीक्षा में सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। दो दिनों में कुल 4 पालियों में परीक्षा होगी। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। जनपद में 17 फरवरी 18 फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा है। 35 परीक्षा केंद्रों पर करीब 70,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। एक पाली में करीब 17,640 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी कैमरों से होंगे लैस। रिपोर्ट देखिए। और 18 को पुलिस एग्जाम है, पुलिस की तरफ से क्या तैयारियां हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम कराया जा रहा है। ये एग्ज़ाम लगभग सभी जनपदों में है। इसी प्रकार ये हमारे फर्रुखाबाद जनपद में भी कराया जा रहा है। इसके लिए 35 सेंटर निर्धारित किए गए हैं और सभी जगह पर ड्यूटियां लगा दी गई हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। पुलिस ने इसकी पूरी ब्रीफिंग कर ली है और हम लोग सकुशल एग्ज़ाम कराने के लिए तैयार हैं। एक पाली में लगभग 17,000 कुछ बच्चे बैठेंगे। इस तरह से दोनों पाली दो दिनों को मिलाकर लगभग 70,000 के आसपास बच्चे फर्रुखाबाद में एग्ज़ाम देंगे। और हम लोगों ने जो एग्ज़ाम की ड्यूटी लगाई है उसके अलावा लॉ ऑर्डर की भी ड्यूटी लगाई है और ये भी इंश्योर। 18 को पुलिस एग्ज़ाम है, पुलिस की तरफ से क्या तैयारियां हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम कराया जा रहा है। ये एग्ज़ाम लगभग सभी जनपदों में है। इसी प्रकार ये हमारे फर्रुखाबाद जनपद में भी कराया जा रहा है। इसके लिए 35 सेंटर निर्धारित किए गए हैं और सभी जगह पर ड्यूटियां लगा दी गई हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। पुलिस ने इसकी पूरी ब्रीफिंग कर ली है और हम लोग सकुशल एग्ज़ाम कराने के लिए तैयार हैं। एक पाली में लगभग 17,000 कुछ बच्चे बैठेंगे। इस तरह से दोनों पाली दो दिनों को मिलाकर लगभग 70,000 के आसपास बच्चे फर्रुखाबाद में एग्ज़ाम देंगे। और हम लोगों ने जो एग्ज़ाम की ड्यूटी लगाई है उसके अलावा लॉ ऑर्डर की भी ड्यूटी लगाई है और ये भी इंश्योर किया है कि ट्रैफिक जाम ना हो। और आपके माध्यम से हम सभी होटल संचालकों से अनुरोध करेंगे, कोई भी एग्जॉर्बिटेंट प्राइस बढ़ाकर प्राइस ना ले और कोई ऐसा करता पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। कितना पुलिस फोर्स और अधिकारी लगाए? जो मानक नियत है उसके मुताबिक फोर्स लगा लिया गया है और सभी तैयारियां कर ली गई हैं। थैंक यू।